समुंदर अच्छाई या बुराई देखकर नहीं बहता है, हार और जीत को चलाने वाला एक सारथी है। इन लहरों की आवाज को सुनने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इस जिंदगी में इन लहरों की कश्ती पर हजारों लोग अपनी जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। लहरों पर चलते नाव की तरह हमारी जिंदगी भी समुद्र की कश्ती पर चलती जा रही है। प्यार करने वाले लोगों की जिंदगी और समुद्र की लहरों का तूफान कैसा होता है, ये सच है। और उस तूफान को ये नहीं पता किसी प्यासे की प्यास, किसी का दर्द ये सिर्फ किसी को घाव पहुंचाना ही नहीं जानता और ना ही मंजिल पर पहुंचाना जानता। जिंदगी की खोज पर निकलने वाला मैं, अगर ये किनारा ही मेरा सहारा है तो मेरे प्यार का सहारा भी यही किनारा होगा। किनारा, यहीं से मेरी जिंदगी में बदलाव आए, मेरी जिंदगी को पहचान भी यहीं से मिली। आइए मेरी जिंदगी की सच्चाई को जानिए, उसे पहचानिए। अरे प्यार करने वाला प्यार देता है, किसी की जान नहीं लेता। वो आ रहा है। ए श्रवण, रुको रुको। ए श्रवण रुको, मत रोको मुझे। क्या हुआ, सुसाइड क्यों कर रहे हो? इतने दिनों से सब ठीक था ना, अब क्या हुआ अचानक? अचानक क्या हो गया ऐसा? छी, ऐसी क्या परेशानी हो गई? सुसाइड करना जैसे फैशन बन गया आजकल। इतने डरपोक लोगों को प्यार और शादी करने की जरूरत क्या है? हमें बता बिना तुम लोग मरना चाहते हो ना? मरने दो उन्हें, हमें क्या करना? चलो चलो यहाँ से। प्यार का तो इजहार भी नहीं किया, मौत को गले कैसे लगाओगे? अगर कोई मर जाता है ना, तो पता है सबसे ज्यादा दुख उसके दोस्तों को ही होता है। जानता है क्यों? क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता है। तुम लोग तो एक बार में मर जाओगे, आने वाले हर फेस्टिवल में, हर सेलिब्रेशन में तुम लोगों को याद करके हम मरेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमें तो तुम बचपन से देख रहे हो ना, हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ रहने लगे। अब मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन लोगों के झगड़े की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इतने दिनों से हम साथ में हैं, इतने दिनों से साथ में रह रहे थे, इस बात का पता चलने से वो हमें अलग कर रहे हैं। हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे भी। अगर जिंदगी ऐसी है तो मुझे नहीं चाहिए। I love you यार, I love you too. ए श्रवण, ये प्यार जिंदगी का मुझे मतलब नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं ये मेरे पास मेरे साथ होनी चाहिए। मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है मेरे यार। तुझे तो पता है ना, मैं इसके बिना रह नहीं पाता हूं। मेरे जीते जी अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मर जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। सॉरी यार, सॉरी। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, दुनिया से दूर जाकर अपना घर बनाओगे तुम, अब और सहन नहीं करेंगे। और कितनी बार होगा ये सब, और कितनी जाने जाती रहेंगी ऐसे। आज शाम को ही तुम लोगों की शादी करवा देंगे। चलो अब मौत को हराकर हम प्यार को जिताएंगे। हे श्रवण, आ रहा हूं। गया ये, तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त।
हैप्पी मैरिड लाइफ गर्ल्स, कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स यार शादी करवाने के लिए। सॉरी यार, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये जिंदगी सपने जैसी लग रही है, ये जिंदगी तेरी देने मेरे दोस्त। कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उस वक्त तेरे जैसा दोस्त ही काम आता है। वैसे तेरे दिल में उसके लिए कभी फीलिंग नहीं जगी क्या? तुम लोग भी तो हमारी तरह बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हो, कभी एक बार भी एहसास नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है यार, कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी इसी समय अर्जेंटली उसे देखने का मन कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उससे जाकर मिल लूं। अरे कल तक तो वो मेरे बगल में ही थी, लेकिन अब वो मुझसे दूर हो गई है। ऐसे मेरे दिल को लग रहा है कि समझ ही नहीं पा रहा हूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अब क्या करूं मैं। इसी को तो प्यार कहते हैं। वो तेरे पास नहीं है पर तेरे दिल में है। वो प्यार को ना समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में कुछ अलग ही फीलिंग होती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो रास्ता मरते दम तक तेरे साथ ही चलेगा। जल्दी आना यार, कितना टाइम लगा दिया आने में। अरे फ्रेंड्स आए थे इसलिए लेट हो गया। अच्छा चल बाय। ओके ओके बाय।
स्मार्ट लग रहे हो श्रवण। रिलैक्स, मां को सॉरी बोलना और गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल होता है। कम ऑन। क्यों बदमाश, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? तुम्हें क्या करना है? अरे आंटी, वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? रोज तो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए टॉर्चर करती है। उसको छोड़ो तुम, पहले जाकर चिन्ना को टाई पहनाओ, स्कूल बस आ जाएगी। हे सुनो, टिफिन रेडी है? हाँ रेडी है, मुझे टाई पहना दो। क्या रे बदमाश, तुम्हें टाई पहनना भी अभी तक नहीं आता है बदमाश कहीं के? ये तुम लोग माँ बाप के लाड़ की वजह से बिगड़ गए हो। बुलाइए ना उसे, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा पता नहीं क्या कर रही है, आप तक रूम से बाहर नहीं आ निकली, नाइट डिनर भी नहीं किया उसने। आज कितने दिनों के बाद मौका आया है। सुनो, उठोगे या नहीं? उठो ना। क्या हुआ? उठो ना। रोज सुबह आकर मेरी नींद खराब करती हो ना, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे दूर हुआ और तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो गई। सुनो, तुम्हारी बाइक कहाँ गई? अरे वो किरण लेकर गया है। तुम मेरी बाइक के पीछे क्यों पड़ी हो? वैसे भी कल से तो तुम्हें चलकर ही जाना पड़ेगा। जब तुम मेरे ड्राइवर हो तो मुझे चलकर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा था ना वो लोग नहीं आएंगे। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग रोज कॉलेज आते हो लेकिन क्लास में नहीं जाते, चलो क्लास चलते हैं। ए, तुम लोग कॉलेज पढ़ने आते हो या क्या? तुमने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी। हमारा इतिहास अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। किताबों से केवल पढ़ाई की जाती है, उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जाता। वैसे भी मैं खुद अपनी किताब लिखना चाहता हूँ, किसी और की लिखी हुई किताब को पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने टॉपिक क्यों छेड़ी, अब देखा ना शुरू हो गया ये। तुम दोनों ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। क्या हमने? अरे ये क्लास में आते हैं, स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। अच्छा होता कि ये नहीं आता। अब तुम निकलो। तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरोगे। चलो, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। अच्छा यार मैं क्या कह रहा था, जाने दे। अच्छा मैडम। ए, माल मिल जाएगा ना, याद रखना अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो इस समंदर में तेरी समाधि बना दूंगा। नहीं भाई, जो हमेशा माल सप्लाई करते वही है, डील पक्की है, एक हफ्ता हमारे लिए काफी होगा। हम जरूर बेईमानी का धंधा करते हैं पर इस धंधे में लोग ईमानदार होने चाहिए। Thank you.
अच्छा मेरी जान, दोबारा शॉपिंग करना है क्या? वो कुछ ड्रेसेस लेना था। ए भाई, देखा क्या? कौन है ये लड़की? लड़का तो काफी फास्ट लग रहा है भाई। ए क्यूबे, जूनियर है क्या? हाँ भाई, सबको समझाता हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं है? पहले तो वो स्माइल करेगी, फिर आई लव यू बोलेगी, तुम्हारा एटीएम कार्ड मांगेगी, बाद में तुम्हें वेडिंग कार्ड दे जाएगी। बिना सोचे समझे ही तुम कमिटेड हो गए हो, सब भूल जाओ। कल से उसके साथ घूमना मत, समझा? प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज। अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ? कॉल आया? उसी का कॉल है ना, 10 मिनट भी वेट नहीं कर सकती क्या? फोन मुझे दे। भाई को फोन दे। ये लीजिए। छी, तुम लोग नहीं सुधरोगे। जैसे ही लड़की मिलती है, माई बेबी, माई डार्लिंग, माई लव, माई जान, सभी लड़कियां लड़कों का फोन चेक करती हैं, पर लड़के कभी फोन चेक करते हैं क्या? जितने बकरे हलाल हुए सबकी लिस्ट मिल जाएगी। उन्हें सच्चा प्यार करने वाला नहीं चाहिए, जो उनका खर्चा उठाए वो चाहिए उन्हें। इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम उससे मिलते रहोगे तो एक दिन वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएगी, और तुम ये कॉलेज का गेट छोड़कर भी नहीं जा पाओगे। चलो जाओ। अरे भाई, दोबारा उसके साथ दिखा तो समझ जाना। निकल, चल, निकल, चल। ए, उधर नहीं, इधर। ए, क्या भाई, उसे छोड़ दिए, थोड़े मजे ले लेते उसके साथ। तू क्या देख रही है, चल निकल। छी। क्या यार, इस बार किसको पकड़ा? कोई जूनियर था क्या? कॉलेज में आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, कैंपस में घूमने से भी आजकल डर लगता है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बोलो। तुम्हें नहीं पता आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है, हर तरफ गुंडागर्दी, कितना भी मना करो घूमते रहते हैं। पता नहीं इन्हें कॉलेज के अंदर आने की परमिशन कौन देता है, प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। किसी ने परेशान किया क्या? और किसके बारे में? वो अर्जुन के बारे में बोल रही है। मतलब अर्जुन सर के बारे में। क्या कहा? तुम्हें पता है ना भाई ऐसा क्यों बना, जो उसके साथ बीता है भगवान करे किसी और के साथ न बीते। सर जो कह रहे हैं ना उसे फॉलो कीजिए मैडम, सुना सर ने क्या कहा? ओके सर, ओके। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? मैं 3 सालों से देख रही हूँ, तुम कहती हो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन जो लोग तुम्हें देखते हैं वो लवर्स कहते हैं, और तुम कहती हो कि तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं, तुम बस चाइल्डहुड फ्रेंड हो। वैसे इंटरेस्ट ही क्या है? हाँ, तुम उसे 3 सालों से कहने की कोशिश कर रही हो, फिर कह क्यों नहीं देती? प्यार करना और प्यार का इजहार ना करना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, ये सब मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुम्हारे फीलिंग्स को मैं नहीं समझूंगी, मैं भी तो एक लड़की हूँ। तुम जो उसे छिपा रही हो, इस प्यार का इजहार कर दो, तुम्हें उसे जाकर बताना होगा, देखना वो तुम्हारी हर बात को जरूर सुनेगा और उस बात को समझेगा भी। उसे मैंने कितनी बार बताया है, अब और कैसे बताऊं? मैंने हर तरीके से कोशिश की है, सिर्फ बातों के अलावा हमेशा साथ में रहता है। कैसे इजहार करूं मैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं? हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, अब साथ में जिंदगी बसाना है, कैसे कहूं? अभी अगर मैं उसके पास जाकर आई लव यू कहूंगी, वो तुरंत कहेगा आई लव यू टू, फिर कहेगा बाइक पर बैठो घर चलते हैं, और ये सब इजीली ले लेगा। उससे मेरा स्पर्श, मेरे फीलिंग, फ्रेंडशिप नहीं है, और उसे कैसे बताऊं, कैसे बोलूं और कैसे कहूं?
Save trees. Save earth. Save trees. Save earth. Save trees. Save earth. क्या हो गया नोटों की करने की? हाँ, save trees. पागल हो गए ये लोग. Save trees. Save earth. Save trees. तू भी join कर ना जाकर. पागल हो गए. किसके पास इतना time थी? Save trees. Save earth. Save trees. Save earth. सुनो, आज कॉलेज में एक जूनियर लड़की ने पूछा, तुम दोनों लवर्स हो क्या? कॉलेज में सबको वही लग रहा है। सुनो, तुमसे कह रही हूं, छोड़ ना, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी भी साथ में बिताएंगे। वैसे तुम जूनियर्स के साथ क्यों घूमती हो? चलो छोड़ो, एक नई मूवी रिलीज हुई है, चलना है क्या? तुम जाओ, मुझे लैब में जाकर कुछ नोट्स लेने हैं। तुम नहीं जाओगी तो क्या हुआ, मैं विजय के साथ चला जाऊंगा। बस यही, रुको रुको। क्या हुआ?
मधु से कुछ बुक्स लेने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ। अरे पाप रे, इतनी सारी बुक्स। ये तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, मेरी तो लाई हो ना। ये लो, इसे पढ़ना है, उसे नहीं। उसे जिंदा रहकर पढ़ना पड़ता है, इसे जिंदा रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछ लिया। मेरी जिंदगी के रास्ते बिना मंजिल के गुजर रहे थे, तुमसे मिलने की तड़प मेरी समझ से परे थी। तुमसे मिलने के बाद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। जिंदगी की राह में लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, हार कर भी लड़ने वाले की हमेशा जीत होकर रहती है। जीत उसकी नहीं होती जो मैदान से दूर खड़ा रहता है, जीत उसकी होती है जो मैदान में जाकर लड़ता है। हेलो, और कितनी देर है, जल्दी आओ। आधी रात में आइसक्रीम के लिए टॉर्चर करने लगी, जल्दी आओ। बोलो ना भाई, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ। कितनी बार भी तुम्हें समझाऊंगी पर तुम समझ नहीं पाओगे मेरे प्यार को। सुन रहे हो तुम मेरी आवाज को, मेरे दिल की धड़कन को? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम जरूर आओगे, मुझे मेरे दिल पर विश्वास है। क्या हुआ? Hey! भाई, उस श्रवण का भाव आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, लड़कियों के साथ बहुत घूम रहा है वो, मना करने पे भी सुन नहीं रहा है वो, लगता है अपना ही ग्रुप बना रहा है वो। उसे कंट्रोल में रखना होगा, वरना वो पूरे कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, अपनी मर्जी चलाता रहेगा। Hey, बुलाओ उसे। उसे अच्छी तरह समझा देना भाई। हाँ भाई, इन लोगों का रोज रोज नाटक बढ़ते जा रहा है। जल्दी चलो यार। हाँ आ रहा हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ। hey! इधर आ, भाई बुला रहा है। ये पकड़, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ भाई? हे, जा भाई के लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आ जा। हे, जाना जल्दी लेके आ। देखा भाई कैसे इतरा रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ चाहिए भाई? दस सिर होने के बावजूद भी दिल हमेशा एक ही होता है। हो गई भाई, मेला है ना, रिलैक्स भाई, मेला है ना,
रिलैक्स 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 रिलैक्स, फेस्टिवल पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सॉरी यार, ओके, हैप्पी हैप्पी दशहरा भाई, हैप्पी दशहरा। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग, चलो रे चलो। यार तेरे इस हफ्ते का प्लान क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हफ्ता मैं कैसे गुजारूंगा। वैसे मेरा कोई भी काम प्लान करके थोड़ा ही ना हो पाता है। वैसे ये विजय कहां पर गया है अब? कहां चला गया ये, तुझे कुछ पता है? पता नहीं यार, थोड़ी देर पहले यही तो था। अरे क्या कर रहे हो, कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? हे, पता नहीं ये कब बड़ा होगा। इस मेले में इसको बजाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों मेरे भाई, बहुत कलरफुल मेला है क्या? बहुत कलरफुल मेला है, इसे देखने के लिए मेरी आंखें कम पड़ रही। चलो ना, रंग बिरंगी तितलियों को देखते हैं। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है इस मेले को इतना कलरफुल क्यों बनाया गया? पूरा शहर छान मारा पर माल कहीं नहीं मिला, थोड़ा ही माल बचा है, पूरी रात इतने में ही गुजारनी होगी। कौन समझाए बेवकूफों को कि घर को जलाने वाली चिंगारी जिंदगी को राख करने वाली एक औरत के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब इन पागलों को कौन समझाए, लड़कियों का पीछा भी तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। जो सदियों पहले मर चुका है उसे बार बार मार कर जश्न मनाते हैं लोग, बेवकूफ नहीं। अरे श्रवण, इस बार इस रावण को जलाते समय मुझे कुछ याद आ रहा है, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसको। छोटी गलती, छोटी गलती, छोटी गलती नहीं है ये। पति के न होने पर पत्नी को घर से उठाकर ले जाना छोटी गलती नहीं है। झूठ बोलकर लक्ष्मण रेखा पार कराना, झूठ बोलकर किसी का अपहरण कराना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी को जीतने की उम्मीद रखनी है तो हरा कर जीतो, धोखा देकर नहीं। अपनी पसंद की लड़की को लेकर आना और उसकी अनुमति के बिना उसे हाथ भी नहीं लगाना, ऐसे इंसान को राक्षस का दर्जा दिया गया है। केवल एक गलती की वजह से रावण राक्षस बन गया? उसने कोई एक गलती नहीं की, बताऊं और क्या क्या गलतियां की हैं? तो इतना सब होने के बावजूद सेलिब्रेशन करना जरूरी है क्या? कोई जिंदगी देने वालों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसका हाल यही होगा। पत्नी को लाने के लिए सही या गलत का रास्ता चुनने वाला, युद्ध में पीछे से मारने वाला, और तो और दूसरों की बात सुनकर माँ बनने वाली औरत को इस तरह से जंगल में छोड़ देना, ऐसे तो इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। ये कोई मामूली त्योहार नहीं है, गलतियों का पश्चाताप है ये। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? वहां आग में शरीर नहीं जल रहा, प्यार पाने की तड़प है। इसे कष्ट नहीं कहा जाता, माता सीता के कष्टों का फल है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे औरत का हाथ है, फिर भी रावण को राक्षस कहते हैं। तुम्हारे अंत से ही दुनिया का कल्याण है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाहे कितना बलशाली वीर हो पर किसी औरत की बात सुनने से वो उसे मार डालते हैं या फिर उसके पीछे से वार करते हैं। कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। लास्ट टाइम वो लोग बच गए थे, इस बार पार्टी में आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ए पिताजी आ रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूं। सुनो रुको, बाइक कहाँ है? फ्रेंड लेकर गया है। फ्रेंड को दिया है या वो मारवाड़ी लेकर गया है? पता है ना आपको, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके पीछे तुम्हारा फायदा भी होना तो चाहिए। तुम खुद एक टपोरी हो ये जानते हो ना, और दुनिया भर के झगड़े घर पर लेकर आते हो तुम।
तुम सब अपने आवारा दोस्तों के लिए 1-2 लाख खर्चा करते हो और कॉलेज भी नहीं जाते हो, सारा दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते हो। पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो अब क्या हो गया? मेरी मेहनत पर पानी फिर से किसने कहा मुझे पढ़ाने के लिए? नहीं चाहिए आपके पैसे। अब क्या हुआ? कुछ हुआ क्या अंकल से? ये तो रोज होते रहता है, छोड़ो ना। तुम लेकर आई हो ना, वो मुझे दे दो। अब बताओ क्या हुआ? बार बार ताना देते हैं कि अपने पैसे से पढ़ा रहा हूं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं ना? जैसा वे करते हैं उसके हिसाब से मैं नहीं कर सकता। बिजनेस करने से पैसे मिल जाते हैं लेकिन उससे खुशियां नहीं मिलती। अगर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा कर चलोगी और उस समय आंख नहीं खुली होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उनकी तरह से चलूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ पर पैसे खर्च करके खुशियां खरीदना चाहते हैं, ये सब मेरी आंखों में छुपता है। हे श्रवण, सब भूल जाओ। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तुम भी उनकी तरफ से बोल रही हो? मेरे पेरेंट्स ने बचपन में कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने थी, लेकिन अब वो मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश करवा रहे हैं। पेरेंट्स, अब वो मुझे खुशियां देने की बजाय मुझे परेशान करने लगे हैं। अभी तुम सब भूल जाओ। ये देखा, तुम्हारी पोएट्री प्रिंट करवा दी। थैंक्स। वो लोग कब मुझे तुम्हारी तरह समझेंगे? ये मेरी किस्मत की लकीर है। इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, मैं हमेशा साथ रहूंगी। आ गया ना अपनी मौत के पास, आज उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं उसे। आजा। Ah!
आजा 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 बोल मुझे कौन आजा 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 ए रुक ए हाँ ए ए रुक जा रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक रुक पता कहाँ है? कहाँ है? पता कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ है वो? नहीं पता। पता कहाँ है? कहाँ है पता? पता? पता कहाँ है? कहाँ है? वो कहाँ है? कहाँ है वो पता? पता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? बता बता वरना जान ले लूंगा। बता कहाँ है? बता कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? 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 बता मुझे हेलो बोलो यार वो लोग मिल गए। हाँ मेरे आने तक उनके साथ ही रहना। ठीक है जल्दी आ जाना। अरे खाना तो पूरा खा के जा। साहब को देखा एक रुपए की कमाई नहीं है और खा बड़े बड़े हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये। सब नॉर्मल है या नहीं एक बार कॉल करके देखते हैं। आंटी श्रवण कहाँ है? कॉल किया था उसका कॉल ही नहीं लग रहा। रात में खाना खाने बैठा था किसी का कॉल आया और बीच में ही उठकर चला गया। वो कहा 10 मिनट में आता हूँ और तब से उसे कॉल कर रही हूँ लग ही नहीं रहा है। अब ये कहाँ गया होगा किधर होगा? क्या हुआ तुम्हें? वहाँ पर कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से रैगिंग कर रहे हैं। हे जी बोलिए। सीनियर्स। हेलो सर। नाम क्या है? दिव्या सर। किस ग्रुप में हो? बी फार्मेसी सर। दिव्या तुम्हारी हाइट क्या है और वेट? सर वैसे यार बाकी सब ठीक है पर वेट क्यों पूछ रहा है? उठाने से पहले वेट जानना तो पड़ेगा ना। अगर वजन ज्यादा हुआ तो मैं नहीं उठा सकता हूँ। देखकर पता नहीं चल रहा है जिम में जाकर कैसे मस्त स्लिम बॉडी बनाकर रखी है। सब तुम ही करोगे या इसे भी कुछ करने दोगे? ए बेबी चलेगी क्या साथ में जिम? अरे चलेगी यार भाई की बात तो सुननी पड़ेगी। भाई को नंबर देकर चली जाओ जब जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे और तुझे जरूरत पड़ी तो तू कॉल कर लेना। कोई और भी होगी तो बता देना। तेरी दोस्त
तेरी बहन कोई भी हो सब चल जाएगी, अगर नहीं है तो तू अभी आ जाना, हम तुझे भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, जरूरत पड़ने पर हम किसी से भी काम चला लेते हैं। वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम रो मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मेरे साथ, कौन है दिखाओ मुझे। अगर उसे पता चला तो वो हमारी जान ले लेगा, उसे हमारा लड़कियों से बात करना ही पसंद नहीं है, और हमने तो रैगिंग की है उस लड़की के साथ। हम तो बस उसके साथ केवल अपना बदला लेने के लिए घूम रहे हैं, बस केवल अच्छे समय का वेट कर रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ना प्यार है ना कुछ है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है बताओ ना, कहाँ है? यहीं पर था। अच्छा हुआ मिल गए, अब बताती हूँ, चलो मेरे साथ। मॉर्निंग मुझे मंदिर जाना है, ड्रेस सेलेक्ट करना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। कुछ तो, तुम्हें क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ। उसके बारे में सोच रही हो? कल से कॉल ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ होगा ये। अरे ओह शिट, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। इसको वॉश करके आ जाओ। हेलो, ड्रेस मिला क्या? हाँ मिल गया है, चेंज ही करने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके चलो बाय। क्या करूँ, पूरी ड्रेस खराब हो गई। Hey, ये क्या है तुम्हें पता है? क्या है बोलो ना। तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट है, और कितने दिन ऐसा करोगे? तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं? अपने जिंदगी में खुद जीऊंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो रही है, स्टूडेंट्स परेशान हैं, और मेरा क्या, मेरी परेशानी की वजह वो है, वो मुझे अभी भी परेशान कर रही है। कम से कम अब तो सुधर जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये सब छोड़ दो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। क्या जिंदगी बर्बाद की? हाँ करूंगा, करता रहूंगा, सबकी जिंदगी नरक बना दूंगा मैं। यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कितना भी समझाओ तुम नहीं समझने वाले। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो और उसके चमचे हो। इतना फील मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारी फैमिली को उठाना पड़ेगा। तुमने क्या कहा? अब तुम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकते, कॉलेज कैंपस से बाहर निकल जाओ। तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वॉचमैन, इसे बाहर निकाल दो। किसने कंप्लेंट की? कौन है वो? भाई वो लैब में। श्रवण कहाँ हो तुम? आप कौन है? हेलो हेलो, कौन है? आई मिस यू ना। हेलो हेलो हेलो, हम बहुत बार मिल चुके हैं। हेलो कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते हो? मेरा नाम जानना है? आई लव हेलो 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 तुम मुझे बहुत पसंद हो।
अरे बाप रे, ये लड़की कौन है? हेलो पापा। कुछ नहीं बेटी, मेरी फ्रेंड की बेटी ने शादी कर ली उसके खिलाफ जाकर। तुझे ऐसा कुछ करना हो तो मुझे पहले ही बता देना बेटा, ताकि मैं पहले ही मर सकूं। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होगा पापा, अब आप जाकर सो जाओ। गुड नाइट। इससे पहले कॉलेज में हमारा रोप चलता था, अब उसकी वजह से सब बंद हो गया। अब कॉलेज में हमसे कोई भी नहीं डरता, वहां तो जाना ही बेकार है। हाँ भाई, उस दिन ये लड़की आपकी छाती पर लात मार कर गई, और ये लड़की ने तो आपकी जिंदगी खराब कर दी थी भाई। क्यों भाई, ये सारी लड़की हमारी जिंदगी के पीछे पड़ी है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने कॉलेज में तुम्हारी इज्जत का कचरा किया और एंट्री भी बंद करवा दी, हम उसे बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने मुझसे पंगा लिया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। देखा भाई, आजा जल्दी आजा। तूने मेरी कंप्लेंट की ना, आजा मैं तुझे फेमस कर दूंगा। तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। आजा मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, आज तुझे तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा। आ गई ना, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम लोग आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बताओ मुझे। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे? प्लीज मुझे छोड़ दो। अनजाने में अगर मैंने कंप्लेंट की, उस वीडियो की वजह से मेरी फैमिली की इज्जत रास्ते पे आ जाएगी। प्लीज तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। चाहो तो कॉलेज में सबके सामने सॉरी बोलूंगी तुम्हें। सॉरी बोल रही हो? इस तरह लोगों का दिल कब तक तोड़ती रहोगी? तुम्हारे सॉरी बोलने से हमारे शरीर का घाव भर नहीं जाएगा, क्योंकि ये घाव जो तुमने मुझे दिया है ना, इसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तुम बोलो मैं क्या करूं? चाहिए तो ये सब रख। मेरा दर्द ये नहीं है, बल्कि मेरे अंदर लगी हुई ये आग है। क्या कहा, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मेरा प्यार मुझे छोड़ कर गया, कॉलेज से मेरी इज्जत गई, और 3 सालों में जो मैंने झेला है वो दे सकती हो? दे सकती हो, बोलो। दो मुझे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे ला कर दो, दे दो। तुम मुझे नहीं दे सकती, अब तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। चली जाओ, जाओ यहाँ से। भाई नया माल आया है। Come on.
सुनो श्रवण, तुम्हारी माँ इस तकलीफ को नहीं देख पा रही है। तुम कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहे हो और ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, और तुम अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रहे हो, किसी से बात भी नहीं करते हो। इस तरह करने से वो आ जाएगी वापस क्या? श्रवण कुछ तो बोलो, हमसे बात तो करो। हे, ऐसे कब तक बने रहोगे? अरे तुम पागल हो गए हो क्या?
श्रवण कहाँ हो तुम? शायद तुम ये वीडियो देखने तक मैं ना रहूं तुम्हें देखे बिना। मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं अपने माँ बाप को अपना मुंह भी नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इतना दूर। वहाँ कोई नहीं आ सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरी खुशी के लिए तुमने सबसे लड़ा, लेकिन मैं जब तकलीफ में थी तुम मुझसे काफी दूर थे। अब मुझे इजाजत दे दो। सॉरी श्रवण, कल से तुम्हें कौन उठाएगा, कौन तुम्हें कॉलेज लेकर जाएगा? तुमसे ही और तुम्हें ही बताना चाहती हूँ, इतने दिनों से छुपा कर रखी थी। सॉरी ना, आई लव यू श्रवण, आई लव यू। तुम यहाँ पर नहीं आए इसलिए नहीं मर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं बची इसलिए श्रवण जा रही हूँ। बचपन की हमारी दोस्ती को छोड़ कर जा रही हूँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर जा रही हूँ। आई लव यू ना श्रवण, आई लव यू। मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कह सकती श्रवण। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे माफ कर देना श्रवण, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, तुम मुझे माफ कर देना। आई लव यू श्रवण, सॉरी। तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा, चले जाओ। की जान ले ली तुम लोगों ने, उठ जा, उठ जा, उठ साले उठ, उठ अर्जुन उठ। बोल क्यों मारा उसे, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा, क्यों उसकी जान ले ली तुम लोगों ने, बोलो।
ए, डॉक्टर ने क्या कहा? ए, उठ! अरे, ए, उठ अर्जुन, उठ लोगे हो क्या? डॉक्टर ने क्या बोला? बोलो, ठीक नहीं है ना? क्या बोलेंगे? अगर ये ऐसी शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा, तो इसका जीना मुश्किल है, कह रहे थे। इसे देखो तो सही, क्या हालत हो गई है। ये ऐसे मर जाएगा। कितना पीता है बे तू? हाँ, कितना पीता है? ए अर्जुन, हर एक चीज का लिमिट होता है। अगर उस लिमिट से तू बाहर हो गया ना, तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ए सुनो, सिगरेट है क्या? अबे इतना बकबक कर रहा हूं, समझ में नहीं आया तुझे? फिर से सिगरेट मांग रहा है तू? वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए ये सिगरेट ही मेरे लिए सब कुछ है। हे अर्जुन, वैसे भी मैं एक जिंदा लाश की तरह हूँ, वैसे भी जिंदगी जीने की उम्मीद मैंने तो कब की छोड़ दी है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में है ही क्या? अर्जुन के साथ हमारा यहीं तक का साथ था, हम उसे कब का खो चुके हैं। कम ऑन अर्जुन, कम ऑन, फोकस फोकस, लेट्स डू इट। हे अर्जुन, लूजर 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 लूजर। हाँ, मैं एक लूजर हूँ। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बावजूद भी मैंने इन सोसाइटी वालों की मदद की, और मेरी जिंदगी खत्म होने से पहले ही समय ने मुझे उस लड़की से मिलवा दिया। उसके मेरी जिंदगी में आने के बाद उसने मुझे हंसना और रोना सिखा दिया। मेरी जिंदगी बदलने लगी और मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलने लगा और उससे प्यार करने लगा, और उसके प्यार का जवाब भी मैंने अपने प्यार से ही दिया। पर मुझे नहीं पता था कि ये प्यार बस थोड़े दिन का ही है। मेरा दिल तोड़कर, मुझे धोखा देकर, मेरा विश्वास तोड़कर मेरे प्यार को हरा दिया, और मैं एक बार फिर से जीत कर हार गया, और ये मुझे इनाम में मिली हुई हार है। ये कोई नहीं जानता, तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर ये प्यार तुम्हारा रास्ता रोक देता है, और तुम ऊंचाइयों पर चढ़ते चढ़ते एक दिन नीचे गिर जाते हो और अपनी जान गंवा देते हो। Boys, wanna be a fighter? Yes! Wanna be a warrior? Yes! Wanna be a winner? Yes! Good! Raise your hand! Let's write your mind!
तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ पर यह प्यार तुम्हारा रास्ता रोक देता है। भगवान जी फिर से न्यू कॉलेज जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस बार। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी रक्षा करना, मैं जैसा सोच रही हूँ भगवान वैसा ही हो जाए। ओहो अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपके पास आऊंगी दर्शन करने, आपको 100 नारियल भी चढ़ाऊंगी। ओहो और साथ ही साथ लड्डू का भोग भी लगाऊंगी। अच्छा तब तक के लिए बाय बाय, इसको बिलो अभी। हाँ भाई मेरा ट्रांसफर हो चुका है, हम कल ही शिफ्ट हुए हैं। बाय पापा। अरे गैस का कनेक्शन लेना है, केबल का कनेक्शन लेना है, सब काम पड़ा है। हे भाई वो जो जा रही है श्रुति है क्या? हाँ। अरे मिलना है उसे यार। अरे यार शांत हो जा, शांत हो जा, पब्लिक प्लेस है। भाई लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हे चलना। छी यार रोक लिया तुमने, मेरी कॉलोनी में एक भी अच्छे संस्कार वाली लड़की नहीं है यार। श्रुति से मिलकर के मुझे कुछ बात करना था पर तुम लोगों ने मुझे मना कर दिया बात करने से। सुबह सुबह तुम लोगों ने वॉचमैन की ड्यूटी चालू कर दी तो तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे बाप रे वहां तो देखो। लगता है भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। वैसे कौन है ये ट्रेडिशनल ब्यूटी, लगता है इस कॉलोनी में नई आई है। अच्छा तुम्हें मुझसे कुछ डिस्कस करना था ना? हाँ सही कहा। तुमको क्या लगता है तुम लोगों को परी और गधी में फर्क नहीं दिखता? अब बस भी करो, प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। चलो। अरे कभी कभी अपने इस दोस्त की भी बात सुना करो, सिर्फ अपनी ही बातें मत रखा करो। हाँ समझ गया चल। इतनी दूर इस कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है क्या? रोज तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, सुन रही हो ना, मैनेज कर लोगी? या इट्स ओके, मेरे साथ काफी लोग हैं, उन लोगों ने सेलेक्ट किया इस कॉलेज को, आई कैन मैनेज भैया, रिलैक्स ब्रदर। हेलो कहाँ हो यार, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट रुको बस, हम लोग आ ही गए। ओ शिट, हे पागल हो गए हो क्या? देखो तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी। हे बाहर निकल, मैंने कहा बाहर निकल। हे जाकर देख। हाँ भाई हम पीकर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए गाड़ी हिलते डुलते आई और ठोक गई। तुम्हें ये कॉमेडी लग रही है? देखो मेरी पूरी कार डैमेज हो गई है। हे भाई क्या परेशानी है इसकी, इसको दे और गाड़ी में आके बैठ। ए पीछे तुझे ज्यादा चर्बी आ रही है ना, तुम दोनों जाके इस कार को रिपेयर करा के लाओ। क्या समझ रखा है, कहा ना निकल यहां से, ज्यादा बोलेगा तो तीसरे भी धक्का मारूंगा समझा। ए क्या चल रहा है? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया भाई और सर कह रहे हैं कि उसकी गाड़ी रिपेयर करके दे दो। अच्छा गाड़ी डैमेज होने के बाद उसे रिपेयर करने के लिए हमें गैरेज खोलना होगा। डैमेज करके रिपेयर करके दूंगा चलेगा ना? क्यों भाई डैमेज कर दे क्या? हाँ करते हैं ना। मेरे साथ चल इसे रिपेयर करके लाते हैं। चलो छोड़ो। अर्जुन पंच फोकस, पंच पंच तुम्हारा अर्जुन। अर्जुन अर्जुन ध्यान से सुन,
ये हमारा बेटर है। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। तुम बीच में मत आओ, इधर भेजो। हे रवि आप चलिए चलिए बैठिए वहां पर, आप रिलैक्स हो जाइए। ए, जिस अर्जुन के बारे में बताया था ये वही है क्या? ऐसे वार्निंग क्यों दे रहे हो तुम लोग? बिल्कुल सही टाइम है, इसे बचाने वाला कोई नहीं, अब ये नहीं बचने वाला, इसकी हालत पूरी तरह से बिगाड़ दो। Yes. It's okay. जिसे भागना है वो भाग सकता है, मैं फिर मौका नहीं दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि कोई नहीं बचने वाला। यार अर्जुन छोड़ दे यार, कोच को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे दोस्त, लड़की सुंदर हो तो हर कोई देखता है, पर वो मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत से बाहर निकालने वाला सच्चा मर्द होता है। हम भी तो मर्दी है ना, उठाकर ले चलते हैं और मजे करते हैं। मजे करेगा ना, तेरे मजे की तो मर्दानगी औरत पर क्या दिखाता है। अगर दम है तो मुझसे लड़ना। क्या रे, हमें पाठ पढ़ा रहा था तू? हम कोई दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। क्या रे, हमें पाठ पढ़ा रहा है? क्या लगती है तेरी वो माँ बहन? तो फिर तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, पर तुमने मेरा खून निकाल दिया, मुझे सीरियस कर दिया, मेरा दिमाग गर्म हो गया है। हम लोगों ने इसे कितना मारा, तुम लोगों ने कहा था ना ये बहुत बड़ा चैंपियन है, पर हमारी दो मार में ही ये तो नीचे गिर गया। जाओ।
तुम लोग अपनी माँ की इज्जत करते हो कि नहीं? माँ की इज्जत कौन नहीं करता है बे? माँ से प्यार करने वाले हर एक इंसान को लड़की से प्यार करना चाहिए। ये लड़कियां आगे चलकर किसी की माँ बनती हैं। तुम लोग कमीने हो। तुम मुझे कितना भी मारो अर्जुन, हम नहीं सुधरेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग जब तक नहीं सुधरते मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, हर किसी को माँ की तरह देखना चाहिए। अर्जुन, हो गया, सब खत्म हो गया। तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लाख मना करने के बाद भी आंटी ये सुना नहीं, हमेशा अपनी मर्जी का चलाता है ये। तू तो कह रहा था किसी को मारना नहीं चाहिए और तूने तो मार मार कर उनका खून ही बहा दिया। तुम बॉक्सिंग के काबिल नहीं हो, ब्लडी लूजर। छे, अपने गुस्से की वजह से अपना करियर बर्बाद कर दिया। जिस लड़की की तूने मदद की, क्या वो तेरा करियर बनाएगी? अब वो भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तूने उस लड़की के लिए सब कुछ खो दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की के लिए तूने अपनी प्रैक्टिस, बॉक्सिंग टूर्नामेंट सब कुछ खो दिया। ना वो तुम्हारी कुछ लगती है, ना वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तो फिर क्यों किया तूने ऐसा? इतना क्यों मारा उसे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी जान से बढ़कर मुझे कुछ और नहीं दिखा। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बाय बेबी। बाय बाय बेबी, मिस यू। अरे इतना क्या सोच रहा है, जो हो गया सो हो गया, छोड़ना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? 3 दिन दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया था तू? श्रुति के साथ मैं गोवा गया था। कुछ भी कहो यार, पर ट्रिप पर बहुत मजा आया। लगता है बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। इसे एंजॉय नहीं, रोमांटिक फीलिंग कहते हैं। और तुम्हारी मंगेतर, वो एंगेजमेंट? मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं, मुझे जबरदस्ती बांधा गया है उसमें। ए भाई, अरे तुम्हारी मंगेतर है वो, और एंगेजमेंट भी तो हुई है तुम्हारी, और ऐसे रिश्ता तोड़ना बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता है वो मेरी जान है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, मैं उससे ही प्यार करूंगा। भाई चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। ए रवि, जाने दो, उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। फ्रेंड्स अलग होते हैं, पर्सनल लाइफ अलग। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे कलर की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दूरी आई है, ये बात तुम्हारे दोस्तों ने ही बताई, और अगर ये सच है तो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, कलर का क्या है, एक बार पार्लर जाओगे तो वो सुंदर बना देगी। मैं तुम्हें बस एक सजेशन देना चाहूंगा, लड़की सुंदर है या नहीं ये कभी मत देखना, बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो माँ की तरह ख्याल रखे। चलो चलते हैं। तेरी बात तो अलग ही है। चलो पूरे बैच का एक सेल्फी लेते हैं, कम ऑन, स्माइल। स्वाति, अर्जुन को देखा क्या? पता नहीं कहां रह गया। क्या मैडम, आजकल अर्जुन का नाम कुछ ज्यादा ही ले रही हो क्या? क्या बात है, लव या लव जैसी फीलिंग? हाँ,
हीरो जैसा फाइट के असली फ्लैट हो गई क्या? अगर कोई हेल्प करता है तो थैंक्स बोलते हैं, आई लव यू नहीं बोलते। वैसे तुमने जो कहा सही है, मेरे लिए तो वही मेरा हीरो है। उसने उस दिन मेरी जान बचाई थी, बिना किसी चीज की उम्मीद के हेल्प की मेरी। मुझे भी उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देना है, सॉरी देना है नहीं, देना ही पड़ेगा। उसके सारे जख्मों को दूर करूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी और जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। ये कोई लव वाली फीलिंग नहीं, लव ही है। आंटी, आपका और अंकल का लव मैरिज है ना? हाँ, लव मैरिज है। प्यार करने के लिए दो दिल का मिलना जरूरी होता है, शादी करने के लिए इतना ही जरूरी नहीं है। प्यार करने वाले उन दोनों दिलों का, और भूख प्यास जिंदगी और बच्चे पैसे, अगर इन सभी के बारे में सोचो तो प्यार ये तो केवल शब्दों में ही रह जाता है। कभी कभी हमारी पसंद के अलावा माँ बाप की पसंद भी सही होती है। लगता है इन्हें दहेज चाहिए। आंटी जी, और फीलिंग्स का क्या होगा? आंटी, मतलब प्यार से ज्यादा पैसे की कीमत है? नहीं अनु, प्यार से बढ़कर पैसा नहीं होता। उस प्यार को बचाए रखने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। बेटी, तुम मेरे जैसे मत सोचना। भगवान, उसे मेरे प्यार का एहसास दिला दो ना। वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, प्लीज हेल्प करो ना। अरे भगवान, सो सॉरी, इसकी सजा मत देना मुझे। हाँ, गलती हो गई। ओके, तो चले अब। कहाँ? मंदिर जाना है क्या? सुबह सुबह मुझे यहाँ लेकर आ गई, कितना टॉर्चर किया। पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। क्या तुम भगवान से इतना गुस्सा हो? भगवान? बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ छिपा है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस देश में स्कूल से ज्यादा तो मंदिर बने हैं। जमीन के पत्थर को फूल चढ़ा देने से क्या वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा? तुम लोगों को पता नहीं, नारियल तोड़ने वाले पत्थर और पूजा करने वाले पत्थर में फर्क नहीं होता। भूखे इंसानों की कोई भूख नहीं मिटाता और ना ही उन पर कोई कृपा करता है। भगवान की बात करते हैं, कहाँ है तुम्हारे भगवान, बताओ ना। अच्छा सर, अगर हो गया हो तो चले हम। चलो। चलो। और कितनी बार कहोगी? एक बार मैंने कहा ना तुमसे, मैं कंफर्म आ जाऊंगा। ओके, बाय। बोलो रवि। किसका फोन था? अन्नु थी, कल मिलने के लिए बुला रही है। तू कैसे इतना खुश रह सकता है? अपनी जान से भी बढ़कर तेरी बॉक्सिंग लाइफ गवा दी तूने, उसके बावजूद तू खुश कैसे रह सकता है? क्या तू बॉक्सिंग को भूल गया अर्जुन? क्या तेरी लाइफ में बॉक्सिंग नहीं रही? मुझे अच्छी तरह याद है, बॉक्सिंग रिंग में तूने एक बात कही थी कि मैं लाइफ में कभी नहीं हारूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिसने तेरी बॉक्सिंग छीन ली उसके साथ तू खुश कैसे रह सकता है? सॉरी अर्जुन, तुम्हें यह सब याद दिलाने के लिए। तुम मैच में नहीं आ रहे हो, अपनी जिंदगी से आ रहे हो। हेलो हेलो रवि, मैं स्वाति बोल रही हूँ। वह तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारी जिंदगी से खेल रही है। की प्लेस तुम्हें अच्छी लगती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, पहले हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते थे, अब दिल बहलाने के लिए आते हैं। अच्छा, तो मेरी एक हेल्प करोगे? वो क्या है ना, हर जगह मेरे नए फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ से मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता है।
फिर वो मुझसे अलग हो जाते हैं, कोई अच्छा फ्रेंड बनता ही नहीं। मुझे ना क्लोज फ्रेंड चाहिए, बहुत ही क्लोज। मतलब तू तो मैं वाला। तुम मेरे साथ वैसे रहोगे? प्लीज रहोगे ना? थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसे टेस्ट करो ना, बहुत अच्छा है, यहाँ का फेमस है। खाकर देखो ना एक बार। मुझे नहीं खाना। अरे खा के तो देखो। नहीं खाना ना, मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पता नहीं। मेरी प्रॉब्लम तुम हो, तुम्हारी वजह से मैं खुद को भूल चुका हूँ, अपनी पहचान भूल चुका हूँ मैं। तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया? ये जिंदगी मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरी पहचान चाहिए, मुझे मेरा दर्द और मेरी खुशी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। अचानक उसे क्या हो गया? इतना गुस्से में है। He's so harsh. वो एक बॉक्सर है। प्यार का इजहार कैसे कर सकता है वो? क्या? ये प्यार है? Is this love? I love you कहा है उसने मुझे? तुम लोग नहीं समझ पाओगे। पता नहीं कब कहा। सुनो, तुम समुद्र के इतने पास लेकर आ गए, मुझे डर लगता है इससे। मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
ए, ये वाला अच्छा लग रहा है। ए अनु, इसे फाइनल कर लो बेटी। ओहो, ओके डैडी, आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो फाइनल कर दो, ठीक है ना? एक ट्रिप पर जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे पैकिंग में? ये क्या है सब, प्यार व्यार, बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें, अब ये वेडिंग कार्ड क्या है? बेचारा अर्जुन, कितना नादान है, तुम पे बहुत विश्वास करता है। बस करो, किसने धोखा दिया उसे? मैंने, मैंने तो उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और उसके लिए थोड़ा प्यार का इस्तेमाल किया, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे भी तो अपना करियर बनाना है ना। सच कहूं तो वो घर के वॉचमैन के काम भी नहीं आएगा, ऐसे इंसान से मैं शादी कर लूं? इतने सारे प्रॉपर्टी की मालकिन हूं, मॉम डैड ने जो लड़का चुना है वो मुझे पसंद है, मुझे यूएस में सेटल होना है और इसलिए उसे भी टूर पर बुलाया है, सॉरी बैचलर पार्टी में बुलाया है। लास्ट में एक सेल्फी लेकर उसे भेज दूंगी, फिर टाटा बाय बाय। हे रवि, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं हार गया मेरे यार, पर इस बात की मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, पर जब मैं उसके साथ रहता हूँ लगता है सारी दुनिया मेरे पास है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुनो, क्या हुआ तुम्हें, मुझे पिकअप किए बिना ही चले गए, कॉल किया तो उठा भी नहीं रहे हो, अरे तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे ही कह रही हूँ ये सब, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें, क्या हुआ फिर से पी रहे हो क्या, तुमने प्रॉमिस किया था ड्रिंक नहीं करोगे, अरे तुमसे ही पूछ रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा क्या, क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम शादी करी हो ना, इसीलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ओ अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, सरप्राइज देने का सोचा था लेकिन तुम्हें तो पता चल गया, चलो छोड़ो भी, भूल जाओ मुझे, वैसे तुम्हें ये सब मधु ने बताया? तुमने मुझसे क्या कहा कि मैं ये सब भूल जाऊं? ठीक है, पर हमारे प्यार का क्या? जो हो गया उसे याद करके क्या फायदा? It's over. क्या it's over? तुमने ऐसा कैसे कहा? तुमने मुझसे प्यार किया है और अब शादी किसी और से कर रही हो और अब कहती हो it's over? हाँ? Sorry अन्नू, so sorry. ऐसा मत बोलो, प्लीज ऐसा मत बोलो, कह दो ये सब झूठ है। इट्स ओवर कह दिया ना, इट्स ओवर, यही सच है, तुमने जो भी सुना वो सच है, हमेशा कहते रहते हो हमारा क्या होगा, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देना चाहती, और अब ये भी सुन लो, कॉलेज लव स्टोरी बस कॉलेज तक है, कॉलेज के समय देखे गए सपने को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए बहुत सारे, वैसे भी तुमने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया, अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ ना, बस हो गया, हमारा रिलेशनशिप अब ओवर, वैसे तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी, वहां तुम्हारे जैसे लोगों की एंट्री नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। तेरी तो, तुमने क्या कहा एंजॉय किया, मतलब टाइम पास, तो पहले ही बता दिया होता, मुझे इस तरह से धोखा क्यों दिया तुमने, अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार किया तो वो तुम हो, तुमसे प्यार किया और तुम पर विश्वास किया और तुमने विश्वास का कलंक ओढ़ दिया और मेरे प्यार का भी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तुम्हारे प्यार में पूरा पागल हो गया था मैं, इतने दिनों तक तुमने मुझसे प्यार किया और अब
शादी किसी और से तुम कैसे कर सकती हो? मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, अब मेरे विश्वास को तोड़कर तुम किसी और के साथ जा रही हो। क्या कहा, कॉलेज की लव स्टोरी कॉलेज तक ही होना चाहिए? ठीक है, तुमने सही कहा, मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम रोड पर रहने वाली एक वेश्या हो। ये सारी की सारी गलती मेरी ही है, मैं समझ नहीं पाया, गलती कर बैठा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं, और क्या पूछेगा, तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? इतने दिनों तक वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही थी और अब प्रैक्टिकल कोई और करेगा। जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपनी जान देता था तो मैं सोचता था लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर अब मैं समझ रहा हूं, वो लोग मरते नहीं बल्कि तुम्हारे जैसी लड़कियां उन्हें मारती हैं। यस, प्यार एक साजिश है। हाँ, प्रोस्टिट्यूट हूं मैं, तुमने जो भी कहा वो सच है। ये सब सुनने में और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए अच्छे लगते हैं, मेरी लाइफ स्टेटस के लिए ये काम नहीं आएंगे। और वैसे भी मेरी हैसियत के हिसाब से तुम जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। पैसा, पैसा ही सब कुछ है, सभी तकलीफ को दूर कर सकता है। प्यार तो वैसे भी अंधा होता है, लेकिन शादी तो खुली आंख से की जाती है, जज्बातों से नहीं। तुम्हारे माँ के बाद मैं हूँ ना घर में, तो जाकर अपनी माँ से पूछो घर में प्यार से ज्यादा पैसा जरूरी है कि नहीं उनके लिए। चल अब जा, एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, प्यार का इजहार मैंने किया था ना, तो अपनी शादी की बात भी मैं ही बता रही हूँ तुम्हें। चल बाय। अनु, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें कमा कर दूंगा। माँ, आपने अपनी खुशी से पापा से शादी की, आप भी तो किसी से प्यार करती थी ना, तो क्या प्यार से ज्यादा पैसों की वैल्यू होती है माँ? पापा के अलावा आपकी जिंदगी में कभी कोई और था क्या माँ, प्लीज बताइए ना। प्यार ये जिंदगी नहीं होती है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है। जब कोई करोड़पति का रिश्ता किसी लड़की के लिए आता है, कोई भी लड़की उससे मना नहीं करती है। मतलब उसने जो कहा वो सब सही है, कॉलेज के समय देखे गए सपने को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए बहुत सारे। वैसे तुम्हें मैं अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी, वहाँ तुम्हारे जैसे की एंट्री नहीं है। उसकी सोच तुम्हारे जैसी है माँ, वो मुझे छोड़कर जा रही है। तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। यहाँ मेरी जिंदगी और उधर मेरा प्यार, सब कुछ खाक में मिल गया है, पर फिर भी मैं अपने आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने सोचा प्यार ही सब कुछ होता है, पर प्यार से तो बढ़कर पैसा है, इसे प्यार नहीं वैश्यापन कहते हैं। तो मैं क्या करूं माँ,
मेरे दिल में बहुत दर्द है। मेरी हैसियत के हिसाब से तुम जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे। अनु, I love you। उसने जो किया वो गलत है ना माँ? गलत है ना? हे भगवान, उसने जो गलती की आपने भी तो वही गलती की ना? माँ मेरी एक मदद करोगी क्या? तुम्हारा एक बेटा है और वो भी जिंदा। ये बात किसी को मत बताना। मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे याद मत करना। क्या बोला? एंजॉय किया? मतलब मेरा यूज किया? तुम उससे ये क्यों कहा कि प्यार का दूसरा नाम ही दोस्ती है? प्यार मुझसे किया और अब शादी किसी और से कर रही हो तुम? अनु, आई लव यू, आई लव यू। आप कुछ भी कहिए पापा, ये कभी नहीं सुनेगी। ये उससे ही प्यार करेगी, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। लास्ट में एक सेल्फी लेकर उसे भेज दूंगी, फिर टाटा बाय बाय। भाई ये लो भाई, आजकल तुम हमारे साथ पी नहीं रहे हो भाई। हमारे साथ नहीं, पीना ही छोड़ दिया है। दर्द इतना बढ़ गया है कि पीने से भी मिट नहीं रहा है भाई। भूल जाने के लिए कोई छोटा सा दर्द नहीं है, मेरा दिल टूटा है। चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए, ये दिल उसे ही याद करेगा। भाई उसने आत्महत्या कर ली भाई। मेरी ही जिंदगी नहीं, उसने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये प्यार की फीलिंग्स नहीं है, ये प्यार ही है। तुझे कुछ नहीं हुआ ना? अर्जुन समझने की कोशिश करना। तू मैं ठीक हूँ। इस तरह अपनी जिंदगी उनसे बोलो, तेरा यह हाथ खाने के सिवाय और किसी काम के काम नहीं आएगा। इसे देख किरण, नेशनल चैंपियन रिंग में ही नहीं उतरा, यही थककर बैठ। तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ठीक हूँ। ए रवि उनसे बोलो। I love you, Arjun! कॉलेज की लव स्टोरी कॉलेज तक होती है। चल निकल। तुमने मेरे साथ प्रैक्टिस की और अब प्रैक्टिकल किसी और के साथ करोगी, वैसे जाओ तुम। हाँ मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। मेरी जिंदगी जलकर राख हो गई है, तो भला ये सिगरेट का धुआं मेरा क्या बिगाड़ेगा? या
तुम्हें मैंने एडमिशन दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। वॉचमैन, इसे बाहर निकाल दो। किसने कंप्लेंट की? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज प्लीज। ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। चली जाओ। बोलो ना, अपनी नानी के घर आई हो? यही बीच पे हूँ, यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, लेकिन मौसम यहाँ पर कितना अच्छा है पता है तुम्हें? हमारे जैसी लड़कियों के लिए ऐसे प्लेस का मिलना कितना मुश्किल है तुम्हें तो पता ही है। एंड यू नो, मेरे अलावा सब खुश हैं। अच्छा चलो ठीक है, आने के बाद कॉल करती हूँ। कुछ तो बात करो ना, तुम्हें चेंज करना मेरे पास की बात नहीं है। यार वापस मेरे पेट में दर्द होने लगा है। बाहर आने जा रहा है, मैं जरा होकर आता हूँ पेड़ के पीछे। अरे बाहर का खाना कम कर। अभी आया। ए, कौन है ये लड़की? अच्छी लग रही है। जो भी है अपने को उससे मतलब नहीं। ए मैडम। अरे मैडम। अरे इधर आ। चलो चलो, मिल गई बकरी। बड़ी सोनी लगती है तू, बड़ी सोनी लगती है, आजा मेरी बाहों में तू बड़ी। हेलो, एक्सक्यूज मी, माइक टेस्टिंग, 1 2 3। मैडम। अरे माइक टेस्टिंग क्या, अभी हम सब टेस्ट करने वाले हैं। अरे सुनना, बाद में टेस्ट करना। मैडम इस एरिया में नहीं हो क्या? हमारे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा, पूरा एरिया घुमा दूंगा मैं। तुम टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से एडजस्ट करेंगे। हाँ मैडम, ये एरिया सच में बहुत अच्छा है, अगर आप चाहो तो आपके लिए रिजॉर्ट भी बुक कर सकता हूँ। क्या हुआ? अगर ये लोग पूछ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ? चलोगे क्या? बोलना क्या फिगर है। दोस्तों मुझे अभी बियर नहीं चाहिए, ये ज्यादा नशीली लग रही है, मुझे ये चाहिए ये। तुम लोग मेरे से दूर रहो, मैं चिल्ला दूंगी। ए, हमें डरा रही हो? हाँ, हम पे हाथ उठाओगी? ये मेरा एरिया है, अब तुम यहाँ से ऐसे ही जाओगी। तूने उसे छोड़ क्यों दिया? सही किया है, किरा कर दिया यार। अगर ये चाहिए तो हमारे पीछे आओ। ए पागल, हम तीनों के साथ चलो ना। मेरा एरिया है। अरे सुनो श्रवण, श्रवण मत जाओ। अरे श्रवण रुको, श्रवण मेरी बात तो सुनो। अरे मत मारो। ए श्रवण, अरे मत मारो। ए कौन है तू? ए उठ, मार उसे।
जाने दो। जाने दो। Hey, Sarman! Hey, Sarman! Run! चल चल निकल निकल यहाँ से रुक जाओ श्रवण चल चल भाग श्रवण अरे सुनो रुक जाओ छोड़ दो उन्हें अरे श्रवण रुक जाओ रुको श्रवण रुको आजा, देखता हूँ मैं भी तुम जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद होता जा रहा है बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं पर तुम लोगों से कैसे लड़े लड़कियों को बचाना मुश्किल हो गया है कम उम्र की लड़कियां बच्चे पैदा करती हैं चोट लगती है तो दर्द होता है जब तुम्हें सजा मिलेगी तब पता चलेगा दर्द क्या होता है छोड़ दो उन्हें ये कभी नहीं सुधरेंगे क्या देख रहे हो तुम लोग तमाशा देखने के सिवा कोई काम नहीं है बंद करो ये तमाशा देखने की आदत पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार देते हो कम से कम अपनी आंखों के सामने तो मरते हुए मत देखो उन्हें अगर जरा भी शराफत बाकी है तो छोड़ दो ये सब कहाँ जा रहा है रुकना हीरो बनता है रुक तेरी तो Hey, लड़की की वजह से अगर तुम मेरे दोस्त से पंगा लोगे ना तो एक बात कान खोल कर सुन ले अपने दोस्त की खातिर मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा छोड़ मुझे मैं तुझे मार दूंगा अबे रुक थैंक यू सो मच आपको कुछ नहीं हुआ ना अरे अरे खून खून आ रहा है तुम्हें कितना समझाया मैंने कभी मेरी बात नहीं मानते हो तुम आई लव यू दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ मैं तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा मुझे कभी छोड़कर मत जाना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच तुम भी वही चाहते हो जो वो लोग चाहते हैं वो तुम लोग हेल्प करके ट्राई कर रहे हो बस पांच मिनट में तुमने अपनी औकात दिखा दी छी तुमसे अच्छे तो वो लोग थे मुझे हाथ लगाए बिना ही दूर से बात किया सॉरी
अरे चलना चल, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? ए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ कुछ बताएगा भी यार। हे, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। कहाँ जाओगे? हाँ पहले हुआ क्या ये तो बताना, इसे ये चोट कैसी लगी? हाँ अरे बताना, ऐसे क्यों खड़ा है? तू ही तो उसके साथ था। क्या बताऊं तुम्हें, यहां पर आएगा तो सुधर जाएगा ऐसा कहा था, पर इसे कितना भी समझाओ सुधरेगा नहीं। अरे आखिर बात क्या है? ये पागलों की तरह हर लड़की के पीछे जाता है और उनको अप्पू अप्पू बोलकर उनके पीछे पड़ जाता है। छी, कभी नहीं सुधरेगा ये। अरे इस दुनिया में यही मजनू है क्या? हे श्रवण, बस बहुत हुआ, हमें यहां से जाना होगा। वो अब हमारे साथ नहीं है। उसने मरने से पहले हमें कुछ बताया नहीं तो उसके लिए रो क्यों रहे हो? बस करो, वो नहीं मरी है, वो नहीं मर सकती। नहीं, नहीं मर सकती वो। झूठ और झूठ, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते रहो, नशा करके कहीं भी गिर जाते हो, लोगों से मारपीट करते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे कि किसी ने तो धोखा दिया है इसको, घर की इज्जत बचाने के लिए उसके माँ बाप ने ही खून किया है, वरना वो सुसाइड नहीं करती। आखिर पता है कि उसने सुसाइड क्यों किया? पता है, इसने तो तुरंत डिसीजन ले लिया। प्रॉब्लम क्या है पता है? हमसे एक बार भी उसने डिस्कस नहीं किया। जो भी लड़की मरती है उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई बड़ी वजह होती है। पता है प्यार करके बिछड़ने वाले पर क्या बीतती है? किसने कहा वो मर गई है? वो मेरे साथ है, मुझसे बात करती है, मुझे देखती है, मुझे बुलाती है। वो मेरे साथ ही रहती है। जब मैं जिंदा हूं तो वो कैसे मर सकती है?
चोट खाने के बाद वो दर्द बार बार उभर उभर के घाव की याद दिलाता है। तुम्हारा प्यार चाहे किसी से भी हो, उसे भगवान के सामने स्वीकार कर लो। तुम्हारे प्यार को अगर कोई रोकी तो जान देकर भी उसे निभाना। हर लव स्टोरी में प्रेमी को मरना पड़ता है, पर प्यार नहीं मरता। हेलो हेलो, यहाँ एक लाश पड़ी हुई है, जरा आएंगे आप? हेलो सर, यहाँ समुद्र के किनारे एक लाश पड़ी है। अरे यार, किसको पता नहीं किसकी है सर। मुझे पता है कि कौन है, आप आइए ना। हाँ सर, कौन है यार ये? यार इसे पहली बार देखा यहाँ पर।